हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों? आज हम आपकी क्लास फिफ्थ की सिक्स्थ यूनिट करेंगे। यूनिट का नाम है अंडरस्टैंडिंग द फ्रैक्शन। तो आज हम सीखेंगे फ्रैक्शंस। बच्चों आपकी एक्सरसाइज है वो है सिक्स। तो हमारा क्वेश्चन है, सी द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एंड द टेबल साइन इन द बॉक्स। आपको ये वाले बच्चों साइन लगाने हैं, सुटेबल साइन लगाने हैं। तो ये साइन बच्चों आप थर्ड फोर्थ में भी सीख चुके हैं और फिफ्थ में आज हम फिर करने जा रहे हैं। तो आपको जो आज ये साइन लगाने हैं वो जो आपकी जो डिजिट है और नंबर है थोड़ा चेंज है। नॉर्मली क्या होता है, आपसे पूछा जाता है 225 और 205 में कौन सा बड़ा है। तो आप फटाफट बता देते ना कि ये 425 बड़ा है, फटाफट साइन लगा देते हो यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर फ्रैक्शन दे रखे हैं, हमें फ्रैक्शंस में बताना है कि कौन सा साइन कहाँ लगेगा। तो बच्चों इसका एक इजी पैटर्न है, मैं आपको सिखा रही हूँ। तो इसके इसको करने का बच्चों तरीका है कि पहले तो आपको इसको बोल के देखना है, 1/4 एंड 3/4। तो अब आपको क्या करना है, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 को 3 से। तो आप इसे रफ में कर सकते हैं, इस तरह से यहाँ मत कीजिएगा, आप अपनी रफ नोटबुक में कीजिएगा, मैं आपको यही सिखा रही हूँ। सबसे पहले तो आप सिंपल लिख लीजिए 1/4 एंड 3/4, ठीक है। अब आप 1 को 4 से मल्टीप्लाई करिए, 1 को सबसे पहले आपको ऊपर वाले इसी का ही मल्टीप्लाई करना है। इसी तरीके से 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 4 जा 4, ठीक है। अब आपको 4 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, 4 3 जा 12, हो गई ना बच्चों इजी। तो अब आपको फटाफट पता चल जाएगा 4 बड़ा है या 12 बड़ा है। 12 बड़ा है ना, इसका मतलब जो इधर वाला 3/4 है वो बड़ा है। तो सेकंड वाली बड़ी है तो हम सेकंड वाला को इस तरह से साइन लगाएंगे, इसका मतलब है कि 3/4 बड़ा है। साइन इस तरफ लगता है, जो बड़ा होता है उसकी तरफ इस तरह का जो माउथ होता है वो इस तरह से खुला होता है और इसकी बैक होती है वो स्मॉल डिजिट की तरफ होती है। इसी तरह बच्चों आपको सेकंड सम भी सॉल्व करना है, ठीक है, उसका भी यही तरीका है। चाहे कोई भी बड़ी डिजिट आ जाए बच्चों, इस तरीके पे चलोगे तो आपका सम कभी गलत नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको एक और करके दिखा रही हूँ, 1/2 एंड 1/2, ये दोनों बच्चों बराबर है। बराबर के लिए बच्चों ये इक्वल का साइन लगता है, ठीक है, इक्वल होती है ना, तो ये इक्वल का साइन है, जो दोनों सेम सेम हो, ठीक है। ये सेकंड सम तो बहुत इजी था, थर्ड आपका आ जाएगा, मैं आपको यही सॉल्व कर देती हूँ, 1/3 एंड 1/, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, पहले 1 का 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 1 2 जा 2 एंड 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3। देखो बच्चों ये इधर वाला बड़ा है ना, सेकंड वाला बड़ा है, तो 1/2 बड़ा माना जाएगा, इसकी तरफ ये साइन आ जाएगा। ये मत सोचिएगा कि 1/3 बड़ा होता है, 1/2 तो छोटा होता है, लेकिन ये आप हमेशा इस तरह से मल्टीप्लाई करके ही, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। अब बच्चों अगला है फोर्थ सम है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखिए बच्चों अब है 1/4 एंड 2/, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 का 3 से मल्टीप्लाई किया था 3, 1 3 जा 3 आ गया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 8, 4 2 जा 8, तो 8 बड़ा होता है ना, मतलब इधर वाली डिजिट बड़ी है, ये वाली बड़ी है, तो आपको ये साइन बताना, ठीक है। अब बच्चों सेकंड सम है, इसमें आपको करना है राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज मिक्स फ्रैक्शन। आपको बनाना है बच्चों मिक्स फ्रैक्शन बनाना है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे, डिवाइड आता है ना बच्चों इस तरह से आप लोग, ठीक है, 7 अंदर जाएगा 5 ऊपर जाएगा। अब आपको डिवाइड करना है, 5 का टेबल मोड़ना है कि या तो बिल्कुल 5 आए या इससे आसपास आए, ठीक है, 5 बन जा 5 5 लिख दिया हमने। अब बचा कितना, हमारे पास 2 बचा, ठीक है, मैं आपको यहाँ करके दिखाती हूँ, ये 5 बन जा 5, अब कितना रह गया, नीचे 2 रह गया ना। तो अब मैं आपको आंसर दिखाती हूँ किस तरह से इसको लिखें। जो बच्चों नीचे रह जाता है ना उसको तो लिखते हैं ऊपर, ठीक है,
जो नीचे आंसर रह जाता है वो तो ऊपर लिखते हैं, और जिससे आप डिवाइड करते हो वो नीचे लिखना है, और जो इधर आता है साइड में, जैसे 5 बन जा 5, तो 1 आए ना, 1 इधर 1 आएगा इधर, इसका आंसर बनेगा 1 and 2 by 5। ठीक है, इसी तरह से बच्चों आपको बाकी के भी सॉल्व करने हैं। मैं आपको बच्चों एक और सम करके दिखाऊंगी, दो आपको होमवर्क मिलेगा। मैं बच्चों बहुत इजी लैंग्वेज में बोलती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए अब 13 को का डिवाइड करना है, तो जो ऊपर वाली डिजिट होती है वो अंदर लाते हैं, जो नीचे वाली होती है वो साइड में रखते हैं। अब टेबल बोलिए 6 का, 6 बन जा 6, 6 2 जा 12, कितना रह गया, एक रह गया ना। अब जो रह गया वो तो आएगा बच्चों ऊपर, और जो ये आया है ये हमारा इस साइड में आएगा, और जिससे आप डिवाइड करते हो वो नीचे में आ जाता है, ये आ जाएगा 2 and 1 by 6। इसी तरह बच्चों 3 का और आपको 2 का करना है, इस तरह से 3 अंदर आएगा 2 बार 2 बन जा। अब एक रह गया, एक ही आंसर है, जिससे जो रह गया उसको ऊपर लाओगे, जिससे आप डिवाइड करते हो नीचे लिखोगे, और जो साइड में आता है वो यहाँ लिखोगे, 1 and 1 by, ये होगा। ठीक है, अब आपको एक सम तो बच्चों होमवर्क मिलेगा ही, आप भी करके देखिएगा, करने के बाद मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ये जो 7th सम है वो आपका होमवर्क है। चलिए अब आपको 3rd सम करना है, राइट फॉलोइंग फ्रैक्शन इन वर्ड्स, तो आपको इनको वर्ड्स में लिखना है 3 by 4, 3 by 4 इस तरह लिखना है, 1 and 2 by 5। तो बच्चों मैंने आंसर यहाँ लिख दिया है, 1 and 2 by 5, 3rd का यहाँ लिख दिया है, 2 and 3 by 5। तो इसके आंसर है बच्चों सामने लिखे पड़े। और 4th सम में बच्चों रिप्रेजेंट फॉलोइंग फ्रैक्शंस ऑन अ नंबर लाइन, इसको आपको क्या करना है, नंबर लाइन बनानी है, जो कि हम बनाएंगे ब्लैक बोर्ड पे। तो आप स्केल से बनाइएगा बच्चों, क्योंकि मैं यहाँ पर स्केल यूज नहीं कर सकती, तो मैं आपको सीधा लाइन लगा के ही सिखाऊंगी। आपको यहाँ पर क्या करना है, स्केल यूज करना है, ताकि जो आपकी लाइन है वो सुंदर सुंदर बने। ठीक है, चलिए 4th है, तो आपको लाइन लगानी है, एक तो सीधा आपको लाइन लगानी है इस तरह से बिल्कुल सीधी, आप स्केल यूज करिएगा, मैं नहीं कर सकती यहाँ पे, मैं आपको सिर्फ सवाल से सिखा सकती हूँ। और ठीक है, अब आपको यहाँ पर 0 से स्टार्ट करना है, और जो स्केल से आप बैक दोगे ना यहाँ का, वो भी सेम देना, ये नहीं हो कोई बड़ा हो कोई छोटा। मैं तो यहाँ पर बच्चों आइडिया से ही लगा रही हूँ, मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि मैं स्केल तो यूज कर नहीं सकती, तो मैं आपको आइडिया से ही बता रही हूँ। ठीक है, तो आप जो गैप दोगे वो सेम सेम रखिएगा। चलिए यहाँ पर आपको लिखना है इस तरह लाइन लगानी, 0 के बाद 1, स्टार्ट आपको 0 से करनी है, 1 के बाद यहाँ आपको लिखना है 2। आप देखो बच्चों की आपको कहाँ तक जाना है, यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आपको 4, यहाँ 5 लिखना है, यहाँ 6, आपको गैप बराबर देना है 7, मैं तो बच्चों यहाँ 8 तक लिख रही हूँ। ठीक है, अब आपका सवाल क्या है, आपका है 4 and 1 by 2, तो 4 पर आ जाइए, 1 by 2 का मतलब है हाफ, 4 and 5 के बीच का सेंटर में आएगा हाफ, मतलब इसको आप हिंदी में बोलते हैं ना 4.5 या 4 and 1/2, हिंदी में तो 4.5 बोलते हैं, और इंग्लिश में आप बोलोगे 4 and 1/2। तो बच्चों 4 and 1/2 का मतलब है 4 और 5 के बीच का सेंटर का, यहाँ पर आपको आना है, ये मिल गया आपको, एक तो 4 मिल गया और हाफ भी मिल गया। तो आपको ये सिर्फ लाइन पे साइन लगा के साइन लगाना कि यहाँ पर है आपका, आप इसको बॉक्स में लिख लीजिए। ठीक है, जो आपका सवाल था ना ये 4 and 1 by 2, ठीक है, 1 by 2 को हाफ भी बोलते हैं, 4 और 5 का बिल्कुल सेंटर का लेना है हाफ आधा। ठीक है, ये लाइन लगी है आपको, यहाँ डिसाइड करना है आपको और यहाँ पर लिखना है। इसी तरह बच्चों 3 and 3 by 4, तो सेम लाइन आपको फिर उसी तरीके से लगानी है, स्केल से लगाइएगा, 0 से शुरू करना है आपको यहाँ पर स्टार्टिंग से, फिर लगाना है 1, फिर 2, फिर बच्चों आएगा 3,
और फिर फोर और फिर फाइव सिक्स सेवन। चलिए अब आप आ जाइए थ्री पर, थ्री एंड थ्री बाय फोर है ना, तो यहाँ पर आई थ्री, इनके बीच में आप चार लाइनें, तीन लाइनें लगाओगे, वन टू थ्री, फोर वाली फोर्थ मानी जाएगी, ठीक है। इनके बीच आपको थ्री लाइन लगानी है, एक ये मानी जाएगी, दूसरी ये, तीसरी ये और चौथी ये, यानी वन टू थ्री फोर्थ ये मानी जाएगी। अब आपको थ्री एंड थ्री बाय फोर पर आना है, तो ये आएगा आपका थ्री बाय फोर, ये जो आ गया, ये तो हो गया बच्चों वन बाय फोर, ये हो गया वन एंड हाफ, थ्री और फोर के बीच का जो सेंटर का होता है वो वन बाय टू होता है, हाफ होता है, और जो होता है थ्री बाय फोर वो थर्ड लाइन पे आएगा। आपको ये चीज ध्यान देनी है, बस आपको गौर से देखना है इसे, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, ये आपका आ गया थ्री थ्री बाय फोर, ठीक है, ये आपका यहाँ पर लाइन लग गया। आपका साइन कहाँ पे, ये वाला है, मैं बार बार आपको डार्क करके दिखा रही हूँ, ये वन टू थ्री लाइन ये मानी जाएगी, फोर ये जो नीचे वाला है ये फोर इसलिए नीचे आता है, ठीक है। ये आपकी टू लाइन लग गई है। अब बच्चों टू बाय थ्री है, लाइन बस ही लगानी बच्चों, कुछ नहीं करना आपको, स्टार्ट हो जाओ जीरो से, फिर बच्चों वन आएगा, फिर टू आएगा, आप खुली खुली भी लगा सकते हो, ठीक है। अब आपको करना है टू बाय थ्री, तो बच्चों ये टू बाय थ्री है ना जो जीरो और वन के बीच में आएगा, थ्री है तो आपको यहाँ पर एक लाइन यहाँ लगानी है, एक यहाँ लगानी है, ये एक लाइन ये है सही वन वाली, ठीक है। जो ये सेंटर वाला है ना, ये टू नंबर वाला, वन ये हो गया वन, तो ये हो गया टू, ये आ गया आपका टू बाय थ्री। मैं थोड़ा आपको बॉक्स है बड़ा बना के दिखा रही हूँ, आपको ये लाइन ध्यान से देखनी है, इसी तरह से आपको बना रही कि आपको ये जो लाइन है ये यहाँ ये वाली लाइन आपकी टू बाय थ्री है, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ सम भी हो गया, फिफ्थ सम हम बुक के अंदर सोल्व करेंगे। सी द नंबर लाइन एंड फिल बैलून विद फ्रैक्शन वैल्यू, इसमें आपको बैलून के अंदर ही जो हमारी लाइन लगी हुई है उसको बताना है कि कितना आएगा, ठीक है। तो चलिए जो हमारा फर्स्ट बैलून है उसका आएगा बच्चों, एक तो आपको ये वन लिखना है, मैं यहाँ लिखूंगी बैलून में बच्चों स्पेस कम है पूरा नहीं आएगा, तो इसका आंसर मैं यहाँ लिखूंगी। एक तो बच्चों आपको ये वन लिखना है सबसे पहले, फिर प्लस का साइन लगाना है, उसके बाद आपको लाइन काउंट करनी है, वन टू थ्री, ये थ्री के ऊपर बैलून है ना, थ्री आपको ऊपर लिखना है, और कुल कितनी लाइन है, फर्स्ट वाली को नहीं काउंट करनी, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव लाइन है ना, ये फाइव आपको नीचे लाइन आपको लास्ट तक गिननी है, टू के ऊपर जो लाइन है वो भी गिननी है, ठीक है। इसका आंसर है वन एंड थ्री बाय फाइव, ये चीज आपको ध्यान से सुननी है, देखनी है। अब बच्चों नेक्स्ट है, एक तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, सेकंड बैलून में फाइव लिखना है, मैं बैलून के बाहर लिख रही हूँ ताकि आपको आंसर आसानी से समझ आ जाए, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि बैलून कौन सी लाइन पर है, कौन से नंबर वाली लाइन पर है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन वाली लाइन पर है, ठीक है, तो सेवन ऊपर आ जाएगा। अब टोटल कितनी लाइनें हैं, सेवन तो हमने गिन ली थी, और एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, एट लाइन है ना, सिक्स के ऊपर वाली भी काउंट करनी है, कुल एट लाइन है, तो एट नीचे आ जाएगा, फाइव यहाँ प्लस का साइन लगा लीजिए, फाइव एंड सेवन बाय एट। अब थर्ड बैलून है, ये देखना है कि कहाँ पर है, सबसे पहले तो आपको ये वाला एट लिखना है, पहले वाला जो डिजिट है वो लिखनी है, फिर प्लस का साइन लगा लो। अब देखो कि बैलून कौन से नंबर वाली लाइन पर है, उसको रब कर देते फिर आसानी से दिख जाएगा, बैलून है बच्चों, ऊपर से काउंट करते हैं क्योंकि नीचे बैलून दे रखा है, वन टू थ्री, थ्री वाली लाइन पे, ठीक है, ये थ्री वाली लाइन पे ना,
मंथली ऊपर लिखेंगे और टोटल कितनी लाइन है थ्री काउंट करी 4, 5, 6, 7 तो टोटल है बच्चों और 7 लाइन है तो 7 नीचे लिख दी। तो आपको जो 8 वाली है ना वो वाली लाइन काउंट नहीं करनी है, जहां मैंने ये आपको 8 लिखवाया था ना वो वाली लाइन काउंट नहीं करनी, उससे नेक्स्ट वाली काउंट करते जाओ और जिस पर बैलून अटका हुआ है वो ऊपर लिखनी है। अब बच्चों इसी तरह ये 51 तो आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है आंसर यहाँ लिखनी प्लस। अब देखो कि बैलून कौन सी लाइन पर है, 51 वाली नहीं काउंट करनी, आगे वाली काउंट करनी 1, 2 तो ये 3 पर है ना तो इसको हम लिखेंगे 3 ऊपर और नीचे टोटल कितनी लाइन है 1, 2, 3, 4, 5 लाइन है तो 5 नीचे लिखनी। नेक्स्ट है बच्चों ये है 53 तो 53 आपको लिखना है। उसके बाद देखो कि बैलून कौन से नंबर वाली लाइन पर है 1, 2 यहाँ देखो बच्चों लाइनें जो खुली खुली है आपको आसानी से समझ आ जाएगी, इसी तरह से आप ऊपर के भी कर सकते हो, बस आपको लाइनें काउंट करनी है। 1, 2, 2 हम लिखेंगे ऊपर, अब टोटल कितनी लाइनें है 1 उसको दोबारा गिनेंगे 1, 2, 3 तो ये 3 नीचे आ जाएगी, ठीक है। ये इस तरह से आपको सोल्व करनी है और आपकी यूनिट भी बच्चों 6th यही कंप्लीट होती है और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बच्चों 7th यूनिट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस करेंगे बच्चों। तब तक आप इनको करके देखिए, लाइंस बना बना के सम को सॉल्व करिए ताकि आपको इजीली से ये करने आ जाए, ठीक है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि बच्चे अपने आप करना सीख जाए, तो आप ट्राई करिएगा, ट्राई करते रहने से आप आसानी से समझ जाएंगे। हो सकता है 1-2 दिन में आपको थोड़ा टाइम लगे लेकिन आप कोशिश करोगे तो जरूर सीख जाओगे, ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट वीडियो में 7th यूनिट करेंगे, 5th हम कर चुके हैं, 6th पास कर लिया। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा और चैनल पे भी सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आपने नहीं कर रखा है तो कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू।